हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद की बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट। और बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा टॉपिक है वर्ग, अर्थात वर्ग क्या है। वर्ग को परिभाषित कीजिए, वर्ग की विशेषता बता दो, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले है वर्ग का अर्थ क्या है, अर्थात तो वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये अंग्रेजी का क्लास शब्द क्लासेस से बना है, जिसका अर्थ है श्रेणी, अर्थात व्यक्तियों का एक विभाजन या व्यक्तियों की एक श्रेणी वर्ग कहलाती है। वर्ग व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है जिनकी एक जैसी स्थिति, एक जैसी परिस्थिति, एक जैसा जीवन यापन, एक जैसा खान पान रहन सहन इत्यादि देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को, समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर अलग अलग विचारकों ने वर्ग के अलग अलग आधार माने हैं। जिस्वेट कहता है अपनी परिभाषा के अंतर्गत कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसे कोई भी आधार मानकर किसी अन्य व्यक्तियों से अपने आप को पृथक करता है। ये आधार हमारा जाति हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, संपत्ति हो सकती है इत्यादि, या जन्म हो सकता है, जिसके आधार पर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने आप को अलग महसूस करता है। जबकि मैकेवर कहता है कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो सामाजिक संबंधों के आधार पर अपने को अलग महसूस करता है, अर्थात व्यक्ति का एक ऐसा समूह जो सामाजिक संबंधों के आधार पर अपने आप को दूसरे से पृथक मानता हो, ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। जबकि बात करते हैं प्रसिद्ध विचारक को कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के अनुसार तो वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देखते हैं। आर्थिक का मतलब होता है उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंधों से, कि जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो उत्पादन के साधनों से हीन हैं, जो उत्पादन के साधन संपन्न हैं, स्वामित्व हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पूंजीपति वर्ग। और इसके विपरीत ऐसे व्यक्तियों का समूह जो साधनहीन है उसे हम सर्वज्ञ वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात व्यक्तियों के एक ऐसा समूह जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसा हो, जीवन यापन एक जैसा हो, ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं मार्क्स के अनुसार। मार्क्स ने समाज में दो वर्गों को उल्लेख किया है, एक पूंजीपति वर्ग जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, बुजुर्ग वर्ग कहते हैं जो साधन संपन्न होता है, दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग जो साधन ही होता है जिसे हम श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग की संज्ञा देते हैं। इसके साथ ही मैक्स वेबर भी वर्ग को अपने दृष्टि से परिभाषित करता है कि वर्ग व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है जिनकी बाजार स्थिति एक जैसी है, जिनकी प्रस्तुति एक जैसी है, कि जहां मार्क्स को वर्ग के आधार में आर्थिक कारक को महत्व देते हैं तो वही मैक्स वेबर बाजार प्रस्तुति को अधिक महत्व देते हैं। और इसके साथ ही अन्य विचारक भी, गिलबर्ट कहता है कि वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनका एक जैसा जीवन यापन, एक जैसा रहन सहन देखने को मिलता है, इस प्रकार के व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। देखिए साथ में वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषताएं परिभाषा मार्क्स के अनुसार व्यक्तियों के एक ऐसा समूह, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनकी
आर्थिक स्थिति एक समान हो, मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है जिनके आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, ऐसे व्यक्तियों को समूह हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। आर्थिक मार्क्स के अनुसार वर्ग का आधार आर्थिक है। यहां आर्थिक का मतलब उत्पादन के साधन, वर्ग के अनुसार मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों के कैसे समूह जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन, ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहां आर्थिक का मतलब होता है उत्पादन के साधन, कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, तो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो उत्पादन के साधनों से हीन होते हैं। जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन होते हैं वो पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत, स्वामित्व वर्ग के अंतर्गत या उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और जिन लोगों के पास साधन नहीं होते हैं, साधन ही होते हैं मार्क्स की दृष्टि से, ऐसे वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग की संज्ञा देते हैं। तो यहां पर मार्क्स ने समाज में दो वर्ग बतलाए हैं, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग एक बुजुर्गवा वर्ग। इसी बात को वेबर कहता है कि जिन व्यक्तियों की प्रस्तुति या बाजार स्थिति, वेबर के अनुसार मैक्स वेबर, जिन व्यक्तियों की बाजार स्थिति या प्रस्तुति या प्रस्तुति एक समान होती है, जिन लोगों की या जिन व्यक्तियों के समूह की बाजार प्रस्तुति या स्थिति एक समान होती है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। यहां पर वेबर का जो आधार है, वेबर का जो आधार है बाजार स्थिति, अर्थात एक व्यक्ति बाजार में जाकर के किस प्रकार की व्यक्तियों का उपयोग करता है, उच्च श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का या निम्न स्तर की दुकान से अपना सामान लेता, अपना प्रयोग लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। स्वाभाविक है यदि उच्च वर्ग का व्यक्ति है तो वो स्टैंडर्ड दुकान से अपनी वस्तुओं का उपयोग करता है, अच्छी दुकान से सामान खरीदता है, जबकि निम्न स्तर का व्यक्ति है तो वो छोटी मोटी दुकानों से अपना सामान खरीद कर अपना प्रयोग जीवन यापन करता है। तो बाजार स्थिति के आधार पर वर्ग का निर्धारण करते हैं, जबकि जिसवर्ग कहता है कि वर्ग व्यक्तियों के एक ऐसे समूह है जिसे कोई भी आधार मानकर अन्य दूसरे से पृथक करते हैं, अर्थात व्यक्तियों के एक ऐसा समूह जिसको कोई भी आधार मानकर एक दूसरे से पृथक करता हो, ये आधार है हमारी आयु, हमारा व्यवसाय, हमारी शिक्षा, हमारा राइसन आदि, ये आधार हो सकते हैं। जबकि जिसवर्ग कहता है कि व्यक्तियों के एक ऐसा समूह वर्ग कहलाता है जो कोई भी आधार मानकर अन्य किसी दूसरे से अपने आप को पृथक या अलग समझता हो, ऐसे व्यक्तियों को समूह वर्ग की संज्ञा देते हैं। और फिर तो सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वर्ग व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है, उपयुक्त तो सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वर्ग व्यक्तियों के एक ऐसा समूह है जिसे हम कोई भी आधार मानकर हम अन्य किसी दूसरे से अपने आप को पृथक या अलग समझते हैं या महसूस करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का समूह वर्ग कहलाता है। ये वर्ग हमेशा जाति के अंतर्गत भी पाए जाते हैं, कि सभी जातियों के लोग समान स्तर पर नहीं होते, उन जातियों के मध्य लोग में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, अमीर होते हैं, गर्भ गरीब होते हैं, शिक्षित होते हैं, अशिक्षित होते हैं, इस प्रकार के वर्ग व्यक्तियों का वर्ग कहलाता है। वर्ग की विशेषताएं,
वर्ग की विशेषता। नंबर वन, सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग की विशेषता है वो वर्ग चेतना है। वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। अन्य वर्गों की परिभाषाओं के आधार पर जब स्पष्ट करते हैं कि वर्ग की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि वर्ग के अंतर्गत वर्ग चेतना पाई जाती है, ये चेतना मत होता है जागरूकता, चेतना। जागरूकता अर्थात एक वर्ग का व्यक्ति अपने आप को इस बात का एहसास करता है, महसूस करता है कि हम किस प्रकार के वर्ग के अंतर्गत हैं। एक वर्ग का व्यक्ति अपने आप में इस बात को महसूस करता है कि हम किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस बात को हम कहते हैं वर्ग चेतना। हम उच्च वर्ग में हैं या मध्यम वर्ग में हैं या निम्न वर्ग में हैं या अमीर में हैं या गरीबों में हैं या शिक्षित में हैं या अशिक्षित में हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के अंतर्गत जो चेतना पाई जाती है, जो जागरूकता पाई जाती है, जो एहसास पाया जाता है, उसे हम कहते हैं चेतना। अर्थात प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के अंतर्गत इस प्रकार चेतना पाई जाती है कि हम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वर्ग में उतार चढ़ाव पाया जाता है। वर्ग में उतार चढ़ाव पाया जाता है क्योंकि वर्ग का जो आधार है वो है कर्म, योग्यता, शिक्षा। इसलिए व्यक्ति एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आरोह जा सकता है। जाति का आधार जन्म था जबकि वर्ग का आधार कर्म है। जाति को बदल नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने जिस जाति के अंतर्गत जन्म ले लिया, जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहेगा। इसलिए जाति एक बंद व्यवस्था है। जाति का आधार जन्म है जबकि वर्ग का आधार कर्म है। हम वर्ग को बदल सकते हैं। एक वर्ग का व्यक्ति ऊपर नीचे वाले वर्ग में आ जा सकता है। यदि गरीब व्यक्ति मेहनत मजदूर करके उच्च वर्ग में जा सकता है और एक उच्च वर्ग का व्यक्ति लापरवाही के कारण, आलस्यता के कारण उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आ सकता है। इसलिए वर्ग खुला होता है, जाति बंद होती है। तीसरा है वर्ग अनिवार्य है। वर्ग की अनिवार्यता यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्ग अनिवार्य है चाहे समाज छोटा हो या बड़ा हो, नवीन हो प्राचीन हो, सभी के अंतर्गत वर्ग पाया जाता है। अर्थात सभी व्यक्ति समान स्तर पर नहीं होते, उनके मध्य किसी न किसी प्रकार का भेदभाव शिक्षा के आधार पर, भौतिकता के आधार पर और आचार विचार के आधार पर, आय व्यय के आधार पर, सभी प्रकार के वर्गों के अंतर्गत, जातियों के अंतर्गत वर्ग अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है कि सभी व्यक्ति समान दृष्टि से नहीं पाए जाते। चौथी विशेषता है कि वर्ग बहुत वस्तुपरक होता है। वर्ग वस्तुपरक अर्थात वर्ग भौतिक होता है। वर्ग सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक गांव के अंतर्गत, प्रत्येक नगर के अंतर्गत हम उनकी भौतिक स्थिति को देखकर के हम वर्ग को अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वस्तु परकता होता है वर्ग, कि उनकी वस्तुओं को देखकर, उनकी भौतिकता को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनके खान पान को देखकर, उनके मकान को देखकर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। अमीर वर्ग के अंतर्गत है या गरीब वर्ग के अंतर्गत है या मध्यम वर्ग के अंतर्गत। अर्थात उनकी भौतिकता, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके आचार विचार, उनका खान पान, उनकी मकान इत्यादि को हम देख करके ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये अमुक वर्ग के अंतर्गत हैं, गरीब वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, उस भौतिकता के आधार हम जाति को पहचान सकते हैं।
कि जैसे हम गांव में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक वस्तु को देखकर या बस्ती को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं ये अमुक जाति के लोग या निवास करते हैं। तो इस आधार पर स्पष्ट होता है कि वस्तु परक होता है वर्ग। अगला है जन्म का आधार नहीं, वर्ग में जन्म का महत्व नहीं, वर्ग के अंतर्गत जन्म का महत्व नहीं होता जबकि यह जाति के अंतर्गत पाया जाता है। वर्ग में हमेशा कर्म महत्वपूर्ण होता है। वर्ग अर्जित प्रस्तुति है, छठी विशेषता है वर्ग अर्जित प्रस्तुति है। वर्ग कैसा है? अर्जित प्रस्तुति, अर्थात वर्ग को व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता कुशलता आदि के आधार पर प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट सातवां है वर्ग में उपवर्ग पाए जाते हैं। वर्ग में उपवर्ग भी पाए जाते हैं। वर्ग में उपवर्ग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वर्ग खुला होता है, वर्ग खुला होता है